एमबीए करने के लिए बेस्ट कॉलेजेस जो होता है कलकत्ता में ही वो है, एक सेंट जेवियर्स कॉलेज, सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी है। सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी ने जेवियर्स बिजनेस स्कूल स्टार्ट किया है, XBS। आप देख सकते हो इधर सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी विल स्टार्टेड देयर न्यू प्रोग्राम जेवियर्स बिजनेस स्कूल। आप इधर एमबीए भी कर सकते हो। तो एमबीए करने के लिए आपका पहले इधर एडमिशन प्रोसेस देखना चाहिए, उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप, AICTE एंड ई रिसर्च भी है इधर, हॉस्टल फैसिलिटीज भी है, XBS एनुअल मैगजीन भी है, जेवियर्स बिजनेस स्कूल का एनुअल मैगजीन एंड जेवियर्स बिजनेस स्कूल का न्यूज रूम भी है इधर। आप सब कुछ इधर इस वेबसाइट में देख सकते हो। एंड दे विल सेंड अ वीडियोस लाइक जेवियर्स बिजनेस स्कूल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू द एडमिशन प्रोसेस। अब इधर एडमिशन प्रोसेस चलने के लिए एडमिशन सेक्शन में क्लिक करना पड़ेगा पहले आपको। तो एडमिशन सेक्शन में आपको क्लिक करने के बाद इस स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, एडमिशन प्रोसेस जो है आपको मिल जाएगा। इधर थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन भी है इधर कैसे आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इधर जो पॉइंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एडमिशन के लिए कौन कौन चीज लगेगा वो उसके एडमिशन के लिए कौन कौन चीज लगेगा उसके बारे में इधर फर्स्ट पॉइंट में आपको डिसाइड कर दिया है उन लोगों ने। उसके बाद आप सिलेक्शन प्रोसेस में जाओगे तो आप देख सकते हो कैसे इस बिजनेस स्कूल ने सिलेक्शन कर दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस में आप पहले ही देख सकते हो पास्ट एकेडमिक स्कोर, क्लास 10, 12 एंड क्वालिफाइंग डिग्री मार्क्स, वेटेज 25%। 25% वेटेज लेगा वो जो पहले डिग्री क्वालिफाई किया है उस क्वालिफाइड डिग्रीज का ऊपर। उसके बाद आप नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट स्कोर, XAT, MAT, CAT, कैट, सैट एंड बैट, GMAT, ऐसे जो एग्जाम होता है नेशनल लेवल का, इसका वेटेज लेता है 30% वेटेज। एंड राइट एबिलिटी टेस्ट में आप 10% लेता है जेवियर्स बिजनेस स्कूल। टेस्ट भी लेता है राइटिंग एबिलिटी टेस्ट जो होता है, वो टेस्ट आपको ज्वाइन करना है, उसके लिए भी आपको इधर 10% वेटेज कैरी करना पड़ता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द वेबसाइट टू कंप्लीट द एप्लीकेशन एंड ऑल्सो टू पे रजिस्ट्रेशन फी 1000। रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ 1000। सो रजिस्ट्रेशन फी है 1000, ये आपको पे करना पड़ेगा एडमिशन के लिए। एंड देयर हैव और टू पॉइंट्स, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यूज में भी आपको 30% मार्क्स कैरी करना पड़ेगा। पर्सनल इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन भी होता है। तो लास्ट पॉइंट इज वर्क एक्सपेरिमेंट्स, इफ एनी वर्क एक्सपेरिमेंट्स देन वेटेज इज 5%। आप कोई पहले कंपनी में काम करता है या फ्रेशर्स हो तो नहीं हो, पहले कंपनी में कितना काम कर चुका है आप लोगों ने, उसका वर्क एक्सपीरियंस भी इधर लगेगा आपको, जिसका वेटेज कैरी करता है 5%। तो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप हो या नहीं हो पहले आप डिसाइड कर लो, उसका बाद आपको इस कॉलेज में एडमिशन के लिए परमिशन मिलेगा। तो फीस एंड फाइनेंस में आप जाएगा। अब हम आपको दिखाने वाले हैं क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है इस कॉलेज का। इस कॉलेज का रिटेल्ड जो फीस होता है वो फोर स्ट्रक्चर में डिवाइड कर गया था। पहले देख सकते हैं एडमिशन फीस, सेकंड वाले सिक्योरिटी डिपॉजिट व्हिच इज फुल्ली रिफंडेबल, एंड द थर्ड वन इज एलुमनी लाइफ मेंबरशिप फी, एंड फोर्थ इज कोर्स फी। सो आप पहले ही सब देख सकते हो, कोर्स फी फॉर एमबीए 21 to 23 का बैचेस के जो होता है इसके लिए एक कोर्स फी है। तो आप इस कोर्स फी में, तो आप सेकंड वाले कोर्स फी देख सकते हो 2022 to 24 बैच के लिए, जो सेमिस्टर फीस का एडमिशन है उसका ट्यूशन फी होता है
2,05,000 उसका एडमिशन सेमेस्टर फी का टोटल एडमिशन फीस होता है जो 2,60,000 एंड ट्यूशन फीस होता है 2,05,000। डेवलपमेंट फीस 10,000 का, लाइब्रेरी फीस 10,000 का, प्लेसमेंट प्लेसमेंट स्किल्स 10,000, इंडस्ट्री इंटरफेस 10,000, एग्जामिनेशन 5,000, कंप्यूटर एंड ई फैसिलिटीज के लिए 5,000, स्पोर्ट्स एंड गेम्स के लिए 5,000 देना पड़ेगा। सेमेस्टर टू में भी आपको सेम कोर्स देखना पड़ेगा 2,60,000 एंड सेमेस्टर थ्री में भी आपको सेम चीज 2,60,000 करके हर सेमेस्टर में आपको पे करना पड़ेगा फॉर एमबीए कोर्सेज इन जेवियर्स यूनिवर्सिटी। तो हॉस्टल भी इधर फैसिलिटी है, हॉस्टल का आपका फैसिलिटी में आप ये देख सकते हो, आप इधर हॉस्टल फैसिलिटीज भी देख सकते हो, टाइप ऑफ रूम, टॉयलेट फैसिलिटी एंड फीस ऑफ अमाउंट। सो जो 2 बेड का लिए जो रूम होता है उस रूम के लिए टॉयलेट फैसिलिटी है, कॉमन कॉमन टॉयलेट वो लोग यूज कर सकते हैं एंड फीस ऑफ अमाउंट 62,000। 3 बेड का लिए जो होता है टाइप ऑफ रूम, जो 3 बेड का रूम होता है उसका टॉयलेट फैसिलिटी है अटैच्ड टॉयलेट फैसिलिटी, इसका मतलब घर का अंदर, रूम का अंदर भी उसका टॉयलेट मिलेगा एंड उसका फीस होता है 68,000। ये आपको 6,000 रुपया पे करना पड़ेगा एंड 2 बेड के लिए जो होता है वो भी अटेस्टेड है लेकिन उनका भी ज्यादा महंगी पड़ जाएगा, फीस अमाउंट 75,000 फीस अमाउंट। तो उसका बाद आप देख सकते हो वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में जो स्कीम चालू किया है वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नाम के, इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो एंड इसका लोन में आप पढ़ाई कर सकते हो एंड इसका लोन में भी आप पढ़ाई कर सकते हो। तो इस क्रेडिट कार्ड का बारे में ज्यादा जानकारी है इधर आप देख सकते हो जो लिखा है आपको, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हो एंड इस क्रेडिट कार्ड के अप्लाई के लिए आपको इधर लिंक भी मिल जाएगा, इस लिंक में अप्लाई कर सकते हो। इफ यू आर अ वेस्ट बंगाल स्टूडेंट सो यू कैन अप्लाई दिस क्रेडिट कार्ड, बट इफ यू आर नॉट फ्रॉम वेस्ट बंगाल देन यू कैन नॉट अप्लाई दैट।